espero jogar o Arsenal. जेफ हार्डी का नेकलेस बनाने के लिए चाहिए आपको न्यूज़पेपर, पावर ग्लू और इसे कैसे बनाते हैं तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है और आपको इस वीडियो के लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको चाहिए पेंसिल, आपको चाहिए स्केल, आपको चाहिए सीजर, आपको चाहिए इरेजर और आपको चाहिए कार्डबोर्ड। और देखिए आपको सिर्फ इतना ही बड़ा कार्डबोर्ड का पीस चाहिए और आपको एक चीज का ध्यान देना है, कार्डबोर्ड आपका ज्यादा मोटा होना नहीं चाहिए। जैसे देखिए मेरा पतला सा कार्डबोर्ड है, ऐसे ही आपको कार्डबोर्ड का पीस चाहिए। आपको चाहिए कलर और देखिए आपको रंगीला भी पेंट चाहिए, रंगीला कलर, और आपको लोहे के दरवाजे पेंट होने वाला कलर भी चाहिए। और रंगीले में देखिए मैं यूज कर रहा हूँ ग्रीन, ब्लैक और ब्लू। आप चाहे अपने मनचाहे रंग से कलर कर सकते हैं, लेकिन लोहे के दरवाजे में पेंट होने वाला कलर में आपको सिल्वर और ब्लैक कलर ही यूज करना है। और क्योंकि सिल्वर और ब्लैक कलर जो ये कलर है ये वाटर प्रूफ होता है, इसीलिए आपको ये कलर चाहिए। और ये कलर हमें अप्लाई करना है नेकलेस का धागा बनाने के लिए, और नेकलेस का धागा बनाने के लिए चाहिए आपको सड्डी, और ये वही है जिससे हम लोग पतंग उड़ाते हैं, और आपको चाहिए पतला सा ब्रश। सबसे पहले हम लोग को गले में पहनने वाला धागा बनाना है, उसके लिए चाहिए आपको सड्डी। और हम लोग दो तरह का धागा सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग सीखे सिंपल वाला धागा बनाना और दूसरा हम लोग सीखेंगे जंजीर वाला बनाना। और सिंपल वाला बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको देखिए सर्दी को निकालना है, आपको उतना ही निकालना जितना आराम से आप गले में उतना पहन सके। और आपको उसका दोहरा बनाना है, देखिए एक दोहरा बना दिया, अब टोटल आपको 3 दोहरे बनाने हैं। और देखिए एक बना दिया, दूसरा बना दिया और तीसरा बना दिया। उसके बाद आपको उसको तोड़ लेना है, तोड़ने के बाद आपको लगा देनी है एक कीट, और उसके बाद आपको कर देना है इसमें कलर, आपको ब्लैक कलर करना है। और देखिए ब्लैक कलर करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ये हो गया सिंपल वाला। अब हम लोग को बनाना है जंजीर वाला धागा, उसके लिए भी आपको सर्दी चाहिए। जैसे हम लोग ने उसको बनाने के लिए सिंपल वाला धागा बनाने के लिए किया था, उसी तरह से आपको इसको भी करना है। आपको इसका दोहरा बनाना है सर्दी को निकाल के, और उतना ही बड़ा आपको चाहिए जो आराम से आप अपने गले में पहन सके। और अब देखिए इसको तोड़ देना है, सिर्फ मैंने दो दौरा किया है। उसके बाद आपको एक गीट लगा देनी ऊपर से, फिर आपको इसको एकदम देखिए सेंटर में इस तरह से रखना है, दोनों एक बराबर आना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करनी है, आपको लगानी है गीठे इस तरह से, इस तरह से एक गीट लगाया, इस तरह से दो तीन ऐसे गीट आपको लगाते जाने हैं, और लगा के उसको बड़ा करना है इस तरह से। देखिए लगाते जाने, देखिए आपको टाइट नहीं करना उसको इस तरह से, और ऊपर से लेके आपको पकड़नी है इस तरह का दिखेगा। देखिए जंजीर जैसा इफेक्ट दे रहा है ना, यही प्रोसेस अप्लाई करके आपको पूरा लाना है। इस तरह से देखिए आपको गीठे लगा दिए, और ये अभी मैं आपके सामने इतना नहीं बना सकता क्योंकि काफी ये लंबा प्रोसीजर है, टाइम टेकिंग है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी देखिए बना दिया है। उसके बाद आपको क्या करनी है, इसमें सिल्वर कलर कर देना है। सिल्वर कलर करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम लोगों ने दो तरह के धागे सीख लिए। सबसे पहले आपको जेफ हार्डी के नेकलेस की इमेज को देखकर कार्डबोर्ड में ड्रॉ करना है, और आपके पास जेफ हार्डी के नेकलेस की इमेज ना हो तो मैं आपको इमेज प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके पास जेफ हार्डी के नेकलेस का इमेज आ गया है तो आप उसको देख के कार्डबोर्ड में आपको इमेज को ड्रॉ करना है, और इमेज को ड्रॉ करने के बाद सीजर की मदद से कट कर लेनी है। और देखिए मैंने इमेज को कार्डबोर्ड में ड्रॉ करने के बाद सीजर की मदद से कट कर लिया, और देखिए इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और अब हमें न्यूज़पेपर में लगाना है पावर ग्लू, और ये काम मैंने ऑलरेडी कर दिया। उसके बाद आपको इसको कुछ इस तरह से ढक देना है, और आपको न्यूज़पेपर के लिए एक बार अप्लाई करनी है। और अब मैं जितनी भी न्यूज़पेपर के लिए इसमें अप्लाई करूंगा वो मैं फास्ट फॉरवर्ड में लगा के करूंगा।
न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े अप्लाई करके इस कार्डबोर्ड में पेस्ट करने के बाद देखिए इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और आपको एक चीज का ध्यान देना है कि न्यूज़पेपर लगाने के बाद भी जैसे कार्डबोर्ड में शेप था वही शेप बरकरार होना चाहिए। और अब हमें न्यूज़पेपर की ये वाली लेयर चाहिए थोड़ी लंबी वाली, उसमें आपको लगाना है पावर ग्लू। और पावर ग्लू लगाने के बाद आपको इस तरह से उसका रोल बनाना है। देखिए रोल बनाने के बाद इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और अब आपको अपने फिंगर में इस तरह से इसको लपेटना है। और देखिए लपेटने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। और यही लपेट के आपको थोड़ा सा इस होल को छोटा करना है। और देखिए छोटा करने के बाद इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और अब हमें इसको सिंपली इधर इसको पेस्ट कर देना है इसके टॉप पे कुछ इस तरह से। आप उसको पेस्ट कैसे करना है, आपको लेना है न्यूज़पेपर, छोटा सा आपको बस टुकड़ा चाहिए न्यूज़पेपर का, उसमें लगाना है पावर ग्लू और सिंपली इस तरह से आपको पेस्ट करना है। और पेस्ट करके थोड़ा सा आपको उसको प्रेस करना है कुछ इस तरह से। देखिए इसको पेस्ट करने के बाद इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और अब हमें इसको रखना है 2 घंटा धूप में सूखने के लिए। जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा उसके बाद आपको इसमें कर देना है कलर। और अब चलिए दोस्तों इसको रख देते हैं 2 घंटा धूप में सूखने के लिए। देखिए दोस्तों ये सूख चुका है और सूखने के बाद देखिए इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और देखिए दोस्तों सूखने के बाद ये काफी मजबूत भी हो गया है। देखिए पटकने के बाद ये टूटा नहीं। और दोस्तों अब हमें इसमें करना है कलर। और जैसे आप देख सकते हैं मैं ग्रीन ब्लैक और ब्लू कलर कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। और कलर करने के लिए मैं पतला ब्रश यूज कर रहा हूँ, आपको भी पतला ब्रश यूज करना है। और मैं कलर जेफॉडी के नेकलेस के इमेज को देख के करूंगा, जो इमेज मैं आपको प्रोवाइड किया था। आपको कोई दूसरा कलर करना है तो आप कर सकते हैं, आप पे टोटली डिपेंड करता है। और देखिए हम लोग ने वीडियो को शुरू में सीखा था कैसे नेकलेस के धागे बनाए, तो मैं देखिए ब्लैक धागा यूज करूंगा, मैं सिल्वर वाला धागा यूज नहीं करूंगा, इसलिए मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और अभी हमें इसको इससे अटैच नहीं करना, पहले हमें इसमें कलर करना है, उसके बाद हमें इसको इससे अटैच करना है। अब चलिए दोस्तों अब इसमें करते हैं कलर। देखिए दोस्तों पूरी तरह से कलर अप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरह दिख रहा है। और जैसे आप देख सकते हैं काफी मैंने डिटेलिंग की है। और जितने भी आप डिटेलिंग देख रहे हैं और कलर देख रहे हैं सब मैंने इमेज को ध्यान से देख के किया है। और आपको भी यही करना है, इमेज को ध्यान से देख के इसमें कलर करना है। और देखिए मैंने पीछे कोई डिटेलिंग नहीं की है क्योंकि कोई पीछे देखने वाला है नहीं, सिर्फ आगे ही आपको दिखाना है, इसलिए आप सिर्फ आगे ही डिटेलिंग करिएगा। और देखिए पास से इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और बस दोस्तों अब हमें इसको भी इससे अटैच कर देना है। आपको इसका पॉइंट वाला हिस्सा लेना है, इस होल में करना है फुट। और देखिए दोस्तों अब ये भी इससे अटैच हो चुका है। और अटैच होने के बाद इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। अच्छा दोस्तों आपने अब देख लिया इसका कैसा लुक है पास से, तो चलिए अब देख लीजिए इसको गले में पहनने के बाद इसका कैसा लुक आता है। दोस्तों आपने देख लिया इसको गले में पहनने के बाद कैसा लुक आता है और आपने सीख लिया इसको कैसे बनाना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।